हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ शाही टुकड़ा की रेसिपी। तो देख सकते हो मैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा शाही टुकड़ा बनाया है क्योंकि हमारे जो बेटे हैं उसके जन्मदिन के लिए मैंने ये, जो कि मैं दो तरीके से टुकड़े ब्रेड के टुकड़े किया है। तो अब देख सकते हो, चाहे तो फोर हिस्से में डिवाइड कर सकते हो या टू हिस्से में भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें हमने 480 ml मिल्क मैंने ऐड किया है। ये पहले से ही मिल्क मैंने गर्म करके रखा था, अब थोड़ा सा उबाल आने देंगे। देख सकते हो हमारा मिल्क उबाल आने लगा है, तो अब हम इसको एक साइड कर देंगे। अब हम वही जो 20 ml मिल्क था, बाकी 20 ml मिल्क में कॉम्प्लान ऐड किया है। आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हो या फिर कॉम्प्लान, आपके पास अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो आपके घर पे केसर बादाम कॉम्प्लान अगर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो मिल्क के साथ। तो ध्यान रखना फ्रेंड, केसर बादाम कॉम्प्लान के जो पाउडर है उसमें शुगर ऐड किया होता है, तो थोड़ा चीनी अब मिल्क में कम ऐड करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने थोड़ा केसर, एक चुटकी भर केसर मैंने ऐड किया है। अब इसको मिल्क के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब मिल्क को अच्छे से उबाल आने देंगे। अब ये जो केसर बादाम के मिक्स है, अब इसमें हम ऐड करेंगे आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास भी कस्टर्ड पाउडर नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैं मेरे बेटे के जो केसर बादाम कॉम्प्लान है उसको मैंने ऐड किया है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया, चीनी के क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है क्योंकि केसर बादाम कॉम्प्लान के पाउडर में पहले से ही चीनी ऐड किया था। मैंने टोटल 4 चम्मच केसर बादाम कॉम्प्लान ऐड किया था। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ आमंड एंड काजू को अच्छे से चॉप किया है। चॉप करने के बाद उसको मैं ऐड कर रही हूँ वही मिल्क पे, और इसको भी अच्छे से मैं उबाल आने देंगे। ये जो मिल्क का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड, अब अगर एक बार ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच, वही चम्मच से मैंने नाप लिया था, 1 चम्मच सिर्फ कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ या फिर आप ठंडी मिल्क के साथ भी मिक्स करते हुए मैं ऐड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रेड को दो हिस्से में टुकड़े किया है। अब इसको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी घी में। अब चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हो घी में, मैं ज़्यादा घी नहीं खाना चाहती हूँ इसलिए मैंने सैलो फ्राई किया है। धीरे धीरे इसको अच्छे से दोनों साइड से पलटते हुए घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, इसी तरीके से मैं दोनों साइड पलट रही हूँ और अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा ब्रेड को, मैं अच्छे से इसी तरीके से फ्राई करते हुए इसको मैं एक जगह पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। देख सकते हो फ्रेंड, मैं घी धीरे धीरे ऐड करते जा रही हूँ। तो अब देख सकते हो ये हो गया हमारा ब्रेड बिल्कुल रेडी, तो इसको भी हम एक ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। इसी तरीके से जितने सारे हमारे पास ब्रेड है हम सबको अच्छे से घी ऐड करते हुए इसी तरीके से ही सेंक लेंगे। अच्छे से सेंकने के बाद देख सकते हो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक पैकेट ही ब्रेड लिया था और 500 ml मिल्क में टोटल ये बनाया है। तो देख सकते हो अब ये हमारा हो चुका है ब्रेड बिल्कुल रेडी, तो अब हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे एक प्लेट में। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे जितने सारे ब्रेड है सब हम सेंक लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा सारा जो ब्रेड है बिल्कुल सेंक चुका है। तो अब हम ले लेंगे कंटेनर, तो इसी कंटेनर में हम एक एक करके जितने सारे ब्रेड के टुकड़े हैं इसको अभी हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे अच्छे से। देख सकते हो फ्रेंड, इसी तरीके से एक एक करके जितने सारा ब्रेड है हम सबको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ब्रेड जो है मैंने अच्छे से इस डब्बे पे अच्छे से रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ये जो मिल्क हमने बनाया था,
अब कस्टर्ड पाउडर के साथ या फिर केसर बादाम कॉम्प्लेन के साथ। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमने धीरे धीरे इसको ऐड करते जाना है। इसी तरीके से ऐड करते हुए अब गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो, या फिर अब इसको फ्रिज के अंदर रख के भी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी आप इसको खा सकते हो। तो ये हो गया है हमारा शाही टुकड़ा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल के कोई भी नोटिफिकेशन जो इजीली आप तक पहुंचे। तो देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा शाही टुकड़ा है बिल्कुल रेडी। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और ज़रूर खाइए। तो बनाकर खाने के बाद कमेंट बताएं कि कैसे बना हमारा ये शाही टुकड़ा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।